दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया, नए मंत्रिमंडल के गठन पर आलाकमान से होगी चर्चा। नए मंत्रिमंडल में कल 23 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सिद्धारमैया के साथ डीके शिवकुमार भी पहुंचे दिल्ली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार पर करेंगे चर्चा। बेंगलुरु में कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर। सिद्धारमैया लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, वहीं डीके शिवकुमार लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। G7 शिखर सम्मेलन के लिए जापान रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 दिवसीय विदेश दौरे पर के दौरान जापान के अलावा न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करूंगा। प्रधानमंत्री ने लिखा, फ्यूमो किशिदा से मिलकर बेहद खुशी होगी। संसद भवन की नई इमारत बनकर तैयार, प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को करेंगे उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। किरेन रिजिजू ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाला। रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना, उसमें इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। जंतर मंतर पर पहलवानों से मिले सचिन पायलट, बोले मामले की हो निष्पक्ष जांच, जल्द से जल्द पहलवानों की मांग पूरी हो। 27 दिन से धरने पर बैठे हैं पहलवान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री एलजी से करेंगे मुलाकात। एलजी से पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने में क्या दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे एलजी। राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और 29 और 23 मई को प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 जज, अब 34 की फुल स्ट्रेंथ। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को शपथ दिलाई। लैंड फॉर जॉब मामले पर बोले तेजस्वी यादव, कहा मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम जोड़ा जा सकता है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। आनंद मोहन के जेल जाने का या रिहाई होने की सुनवाई अब 8 अगस्त को होगी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के लखनऊ में जमीन हड़पने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी पर सुनवाई से किया इनकार। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उमर अंसारी को राहत नहीं मिली। शाहरुख खान समीर वानखेड़े का व्हाट्सएप चैट सामने आया। आर्यन के पिता होने के नाते शाहरुख ने समीर से बात की थी। कोर्ट में समीर वानखेड़े ने शाहरुख के चैट को अपने पक्ष में सबूत बनाकर रखा। ज्ञानवापी मामले में कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक। G20 की बैठक के लिए कश्मीर में कड़ी सुरक्षा, बैठक के लिए चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात। दुकानों, डल झील, होटल में सर्च ऑपरेशन जारी।